अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और आज मैं मौजूद हूँ फिर राजा मोटर्स पे, क्योंकि तो वसूल से आपके लिए एक ब्यूटीफुल गाड़ी लेकर आया हूँ। अच्छा, आज से पहले मेरे चैनल पे इस गाड़ी का रिव्यू नहीं किया गया। दिस इज़ द टोयोटा पासो, जो कि एक जापानीज वेरियंट कार है। और चलिए शुरू करते हैं और आपको इसके बारे में मालूम देते हैं। फ्रंट देखा जाए तो प्लास्टिक है, आगे कोई क्रोम ग्रिल नहीं है। नीचे देखा जाए नीचे प्लास्टिक है, फॉग लैंप्स नहीं है। दिस इज़ द टोयोटा पासो 2010 मॉडल। बेसिक सर्कुलर रेक्टेंगुलर इसकी हेडलाइट्स हैं। साइड पर आते चले, इस बहुत टोयोटा पासो की जो बॉडी है वो बहुत मजबूत है। अगर आपको एक हैचबैक स्मॉल कार फैमिली कार चाहिए तो आई थिंक विड्स के साथ आप इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। टायर्स की बात की जाए, इस पर अपोलो के टायर्स लगे हुए हैं और इसके ऊपर व्हील कप लगा हुआ है। सस्पेंशन इस गाड़ी का अच्छा है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए, ग्राउंड क्लियरेंस ऑप्टिमल है और बम्पी रोड्स वगैरह के लिए गाड़ी ठीक है, पाकिस्तानी रोड्स के लिहाज से। साइड पर देखा जाए तो एक आपको एलईडी इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। बेसिक हैंडल्स हैं जो कि टोयोटा में आते हैं। कमिंग एट द बैक, एक वाइट टॉल डिस्प्ले बैक लाइट जो है इंट्रोड्यूस कराई गई है। इसमें बम्पर आप देख सकते हैं इसका, इट्स फ्रॉम टोयोटा, टोयोटा पासो। ये जापानीज कार है एंड इट हैज़ द विंडशील्ड वाइपर। ये वैसे जापानीज कार है, 2010 मॉडल है और ये 2014 इंपोर्ट की गई है पाकिस्तान में। देन कमिंग एट अनदर साइड टायर, गाड़ी का मैं आपको थोड़ा सा व्यू देता चलूँ। गाड़ी इस तरह की लगती है, यू हैव दिस एलईडी इंडिकेटर्स एंड देन यू विल रिफ्लेक्ट द सन प्रोटेक्टेड फ्रंट ग्लास। तभी चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको इसकी मालूमात देते हैं। हमारे साथ शकील भाई मौजूद हैं, यहाँ हमें हेल्प आउट करते रहते हैं सारे। वेलकम सलाम। अच्छा, बेसिक स्टेयरिंग की बात की जाए, लेदर इसका स्टेयरिंग है, जेन्युइन कंडीशन में कार है। इट हैज़ टू एयरबैग्स, वन ऑन द स्टेयरिंग और एक डैश पर आपको देखने को मिलता है। डिज़ाइन में थोड़ी सी चेंजिंग है, डिज़ाइन इसका काफ़ी हद तक जो है इम्प्रूव किया गया है। साइड पर अगर आप देखे जाएँ तो विंडो कंट्रोल आपको मिलता है, विंडो लॉक मिलता है। यहाँ पर आपको मिरर कंट्रोल मिल जाता है लेफ्ट एंड राइट। इसके अलावा आपको यहाँ पर लाइट कंट्रोल मिल जाता है। साइड पर सर्कुलर एयर वेंट्स है, दरमियान में आपको रेक्टेंगुलर स्क्वायर टाइप से मिल जाएंगे एंड वन एट द लेफ्ट साइड आपको मिल जाएगा देखने को। गाड़ी की अगर बात की जाए टॉल हाइट वगैरह की, ऑप्टिमल है 6'3" 6'4" के बंदे आराम से बैठ सकते हैं। सीटिंग पोस्चर आप इसका देख सकते हैं, अभी ईजिली एडजस्टेबल है। इसकी सोफ़ा सीट्स हैं, लेदर नहीं है, ये सोफ़ा सीट्स हैं और ये जेन्युइन कंडीशन में है। साइड पर थोड़ा सा कंपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कप होल्डर मिल जाता है आपको नीचे, थोड़ा डैश के अंदर आपको थोड़ा सा कंपार्टमेंट मिल जाता है। 3 kg तक का मैक्सिमम वेट आप यहाँ पर हैंग कर सकते हैं इसको ऊपर नीचे करके। इसके साथ आपको ये ओपन डैश मिल जाता है, आप जो गाड़ी के पेपर्स वगैरह रख सकते हैं। बैक में आपको कप होल्डर देखने को मिल जाता है। सीट इसकी सोफ़ा है और ये हेड रेस्ट जो है इसके अंदर ही है। सो सीट्स में इसको 10/10 दिए जाएंगे। गाड़ी का ओवरऑल डिज़ाइन ऑप्टिमल है, गाड़ी ठीक है, गाड़ी लॉन्ग रोड्स के लिए भी अच्छी है। गाड़ी के लीटर की बात की जाए तो लीटर में 18-20 किलोमीटर आपको देती है। शकील भाई ने बताया, शकील भाई इतना ही देती है 20 किलोमीटर जो है आपको लीटर में ये देती है। गाड़ी ऑप्टिमल है, 2010 मॉडल है, ये जापानीज़ का जापानीज़ वेरियंट है। यहाँ पर मिस्ट कंट्रोल, विंडो कंट्रोल, वाइपर कंट्रोल है और यहाँ पर आपको लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स विद LED हेडलाइट्स आपको सब देखने को मिल जाती हैं। हैज़र्ड्स देखने को मिल जाते हैं। कार को अभी हमने स्विच ऑन कर लिया है। इसका इंफोटेनमेंट डैश सिस्टम आप देख सकते हैं, टच सिस्टम है इसका, पर GPS नेविगेशन सिस्टम भी है। इसके अलावा इसको ऑफ कर, AC मौजूद है गाड़ी के अंदर। इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। AC का थ्रो बहुत अच्छा है, अभी मैंने सिर्फ फ़ैन ऑन किया है। ओवरऑल AC
का थ्रू भी आप देख सकते हैं, आवाज़ सुन सकते होंगे, थ्रू काफ़ी अच्छा है। कंपार्टमेंट बहुत देखने को मिल जाते हैं आपको, इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। सिगरेट लाइटर आपको मिल जाता है यहाँ पर, क्लाइमेट कंट्रोल 1, 2, 3, 4 एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। ऊपर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक शीशा देखने को मिल जाता है बेसिक, उसके अलावा लाइट्स और पैसेंजर सीट पे भी आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा एडजस्ट। अब चलते हैं इसके बैक सीट पर। यार कार वैसे सॉलिड है, अगर आप फैमिली एक हैचबैक कार लेना चाहते हैं तो दिस इज़ सॉलिड कार फॉर यू एज़ कम्पेयर टू वैगन आर एंड स्विफ्ट। मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, रबर इज प्लेस्ड वेरी वेल। कार की मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत अच्छी है, किसी किस्म का इसमें जो है छोड़ा नहीं गया, कसर छोड़ी नहीं गई। इंटीरियर क्वालिटी को 10 out of 10 देते हैं। अगेन मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, मेरा 6'3" हाइट है, आई कैन ईजिली सीट इन देयर। और अब मैं इस गाड़ी की बैक सीट पर आ चुका हूँ, अ वेरी कंफर्टेबल सीट है इसके पीछे बैक में, और ईजिली 3 बंदे जो हैं आराम से बैठ सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। फ्रंट यहाँ से आपको मैं दिखाता चलूँ इस गाड़ी का, दीज आर द सीट्स और इस हेडरेस्ट के साथ ही हैं, सोफ़ा सीट है ये। दरमियान में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, पीछे आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं और पीछे आपको सीट बेल्ट्स देखने को मिल जाती हैं। देन अगेन देयर इज अ विंडो कंट्रोल, कप होल्डर पीछे देखने को आपको मिल जाता है। इट्स अ परफेक्ट कार, लेग स्पेस आप देख सकते हैं काफ़ी है मेरे लिए, हेड स्पेस भी जो है काफ़ी है, ऑप्टिमल है। सो या गाड़ी ओवरऑल सॉलिड है, गाड़ी का डिज़ाइन अच्छा है, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी, गाड़ी की परफॉर्मेंस स्पेशली बहुत अच्छी है, जो कि आपको लीटर में 18-20 किलोमीटर्स प्रोवाइड करते हैं। दैट्स अ वेरी सॉलिड कार फॉर यू। और इंटीरियर को भी मैं 10 out of 10 दूंगा, क्योंकि कोई सर नहीं जापानी कार है। तो अब चलते हैं बैक पर और फिर आपको दिखाते हैं इसकी ट्रंक स्पेस। ओके जी, अब मैं आ गया उस गाड़ी के बैक पर, आप देख सकते हैं मैं राजा मोटर्स पर मौजूद हूँ, आप आके जो है इनसे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वेट करता हूँ जाके आप स्क्रीन शॉट ले लें इस गाड़ी के मुतालिक, जो भी मालूम लेना चाहें आप। तो दिस इज़ द कार फ्रॉम द बैक, काफ़ी सॉलिड वेल बिल्ड कार है। और आप ये देखिए, अगर इसी में जापानी कार्स आती हैं अंडर 7 lakh बजट, तो ट्रंक ओपन करते हैं इसका। ओके जी, ट्रंक स्पेस ऑप्टिमल है, ठीक है, आप इजीली जो है 2-3 बैग्स रख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट फैमिली है, अप्रॉक्सीमेटली 3-4 पर्सन है, तो आप आराम से जो है अपना लगेज जो है ये अगर आप ऊपर करें तो नीचे आपको स्पेयर टायर और स्पेयर कीज मिल जाती हैं, इसके ऊपर आप अच्छा सामान स्टोर कर सकते हैं। अगेन बिल्ड क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। थोड़ा सा बैग से आपको देता जाऊँ इसके ट्रंक स्पेस का, कार ऑप्टिमल है, कार की शेप डिज़ाइन आप देख सकते हैं, एवरीथिंग इज वेल प्लेस्ड इन दिस कार। दिस इज द टोयोटा पैसो, 2010 मॉडल है ये और 2014 में इम्पोर्ट किया गया है। अब चलते हैं इसके बोनट की तरफ और आप इसका इंजन दिखाते हैं। बैक शीन पे आपको वाइपर भी दिया गया। ओके जी, मैं आपके इसके फ्रंट पर आ चुका हूँ। आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट थी विथ्स के बारे में, कल्टस के बारे में, स्विफ्ट के बारे में, ये एक और ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए अंडर दिस बजट, वेरी सॉलिड कार। तो आप देखते हैं इसका बोनट ओपन करते हैं। अच्छा, मिनट इससे डिफिकल्ट फॉर मी टू ओपन द बोनट विद वन हैंड। ओके जी, सो दिस इज़ द 13cc इंजन, जो कि एक बड़ी अच्छी हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। इंजन ऑयल, देन देयर इज अ बैटरी बाय फीनिक्स आई थिंक सो। ओवरऑल आप देख सकते हैं जब से जापानी स्टैंडर्ड कार है, कार एक्सीडेंट नहीं है, कार एक्सीडेंट नहीं है, फिर बताता चलूं, कार अपनी ओरिजिनल हालत में है। 2014 में कार इंपोर्ट की गई थी,
So that's a 13cc engine. Okay जी, फ्रंट बम्पर भी इसका अच्छा है. सो अब आते हैं इसके प्राइस टैग के बारे में. दिस कार विल कॉस्ट यू अराउंड 10,70,000, 10,75,000. ये गाड़ी 2010 मॉडल है टोयोटा पासो का, और 2014 में ये गाड़ी इंपोर्ट की गई है. और आई हैव टॉक टू द शोरूम ओनर्स एंड दे हैव टोल्ड मी के दे हैव लाइक दिस ब्यूटीफुल कार, की आपको इसमें माइलेज भी मिलेगी, इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, एंड इट प्रोवाइड्स अ वंडरफुल फ्यूल एवरेज, और जो कि आपको इन सिटी आउट सिटी में ऑल्सो रोड ग्रिप गाड़ी की बहुत अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस इज ऑप्टिमल. सो इफ यू आर लुकिंग टू बाय टोयोटा विट्स, गो आफ्टर दैट, लुक आफ्टर दिस कार टू. और 10,75,000 में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी. सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू. मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें और देख सकें कार रिव्यू. और नीचे कमेंट करके बताइए आपको रिव्यू कैसा लगा, और आप इसको किसके साथ कंपेयर देखना चाहते हैं. सो या दिस वॉज ऑल फॉर टोयोटा पासो. मोहम्मद अली साइनिंग ऑफ. पीस, अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब.